Thank you.
अभिराम का आज दूसरा पक्ष है, उसका कविता पक्ष। जैसा कि आप में से अधिकांश जानते ही हैं, आज से लगभग 11 बरस पहले रजा साहब ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक फाउंडेशन स्थापित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य युवतर लोगों को सम्मान, समर्थन, प्रोत्साहन देना था। और पिछले 9 बरस में हमने लगभग 40 कलाकारों, कवियों, शास्त्री नृत्यकारों, शास्त्री संगीतकारों को सम्मानित किया है। उनमें से 35 इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। ये 15 शहरों से आए हुए लोग हैं। अब होशंगाबाद वगैरह को भी शहर ही कहते होंगे, मतलब जहाँ से तेजी ग्रोवर आई हैं। अयोध्या भी शहर नुमा ही है जहाँ से यतीन्द्र मिश्र आए हैं। बहरहाल कविता राधा साहब की बहुत प्रिय विधा भी रही है उनकी उनकी चित्रकला के बाद। और यहाँ हमारे मित्र कृष्ण खन्ना बैठे हैं, जिनके लिए भी कविता बहुत प्रिय रही है और उनको बहुत सारी कविताएं मुखाग्र याद हैं, और अच्छे अच्छे कवियों की, मतलब हम जैसे दुमछलनों की नहीं, डब्ल्यू बी येट्स, टी एस एलियट एंड कॉनराड एकन एंड व्हाट यू हैव। तो बहुत अच्छा है कि राधा साहब जब 90 के हो रहे हैं तो वो सब कलाकार एकत्र हैं जिनको उनकी ओर से पिछले 9 वर्ष में हमने सम्मानित किया है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज होती गई है, और धीरे धीरे कविता के जो सार्वजनिक मंच थे वो कम होते गए, बल्कि जो थोड़े बहुत बचे हैं वो बहुत ही हसोड़ और हास्यास्पद कवियों के हवाले हो चुके हैं, या गलाबाजों के जो गाते वाते हैं और आपका मन लुभाते हैं। अच्छी कविता के लिए सार्वजनिक मंच बहुत कम बचे, लेकिन कविता सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, वो ध्वनियों से भी बनती है। और इसलिए कई कवियों को सुनने से, कई बार उनकी उपस्थिति से, उनकी आवाज़ से, उनकी हिचक से, उनकी निर्भीकता से, उनकी मुखरता से, उनकी चुप्पी से कविता के कई ऐसे अर्थ खुलते हैं जो सिर्फ अगर हम किताब में पढ़ रहे होते तो शायद न खुलते, क्योंकि कविता एक आवाज़ भी है, वो पुकार भी हो सकती है, ललकार भी हो सकती है, प्रार्थना भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है, खबर भी हो सकती है। आवाज़ के जितने प्रकार हैं वो सब हो सकती है, लेकिन वो शब्द भी है और आवाज़ भी है। इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं कि आज आप, ये पहले से बताने देना ज़रूरी है कि 6 कवियों को सुनेंगे। वैसे तो सुनने वाले आप 7 को होते, लेकिन रणजीत होसकोटे अभाग्यवश नहीं आ पाए। तो 5 कवि तो हिंदी के हैं और 1 असमिया के कवि हैं, नीलिम कुमार, उनको भी आप सुनेंगे उनके अनुवाद के साथ। हर कवि को हम 15 मिनट का सीमित समय देंगे। मैं कल एक आयोजन में था जिसमें 10 मिनट का समय था, और 10 मिनट जब होने लगते थे, जब 1 मिनट बचता था, तो एक गुलाब का फूल वक्ता के सामने रख दिया जाता था, और अगर वक्ता उसके बाद भी ढीठ बना रहे और चलता रहे अपनी रफ्तार में, तो फिर एक लाल गुलाब का फूल रख दिया जाता था, जिसका अर्थ था कि अब आपको फौरन हट जाना चाहिए। पर ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कवि लोग संयम से काम लेंगे, और 15 मिनट में भी अगर वो तीर न मार पाए तो उसके बाद भी
मार पाएंगे इसका संदेह करना कठिन है। सबसे पहले सबसे कम उम्र के कवि यतीन्द्र मिश्र, उनको 2007 में रजा सम्मान मिला। उनके तीन कविता संग्रह मेरे हिसाब से प्रकाशित हैं, यदा कदा, अयोध्या और अन्य कविताएं, और जोड़ी पर आला। और वे उन थोड़े से कवियों में से हैं जो शास्त्रीय संगीत पर भी समझ और संवेदना के साथ लिखते रहे। उन्होंने बिस्मिल्ला खां पर और गिरिजा देवी पर इत्यादि पर भी लिखा है। यतीन्द्र मिश्र, रजा साहब को नमस्कार और आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं 15 मिनट में कुछ तीर मारने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय कुंवर जी, अशोक जी, कृष्णकन्या साहब, इधर मैंने कबीर को लेकर के कुछ कविताएं लिखनी शुरू की हैं, कबीरी भजन श्रृंखला नाम से। उसकी दो कविताएं सुनाता हूँ। पहली कविता है घर। एक बेदरो दीवार का घर था, अंधत के पार जाता हुआ घर। ऊपर खुले आसमान की नीली कनात वाली छत के नीचे पसरा अनथक विश्रांति का घर। शून्यगढ़ शहर में चहलकदमी के लिए पगडंडी के रास्ते पहुंचता हुआ घर। अदृश्य का घर, व्यक्त का घर, अनंत के अहाते का घर। एक घर रमैया की दुल्हन का, हाट बाजार से चैन लूटकर बनाया हुआ घर। सूरज चंद्रमा नक्षत्रों और तारों के झुरमुट का घर। सुकून के ओसारे का घर, अवधूत की चादर पर फैला अपनत्व का घर। लुका छिपी के खेल का घर, जीतने की जद्दोजहद और हारने के उत्साह का घर। दुनियावी तमाशा और सब कुछ फूंक डालने का घर। अंतहीन प्यास और अक्लांत समर्पण का घर। एक घर ऐसा जो बिना दीवार, बिना खिड़की, बिना दरवाजे, बिना छत, बिना अहाते, बिना आंगन, बिना पर्ची, बिना बिछावन, बिना साजो सामान, बिना खाट का घर। प्रेम का घर या शायद खाला का घर। विभास, ये उसी श्रृंखला की दूसरी कविता है। ये उत्सुकता जागती है, कबीर ने आखिरी चादर किसकी खातिर बुनी होगी। ये उत्सुकता जागती है, कबीर ने आखिरी चादर किसकी खातिर बुनी होगी। ये विभास जागता एक योगी की यात्रा में, आखिरी चरण कहाँ पड़े होंगे। घेरती है ये दुविधा एक अवधूत और रागी का, अंतिम शब्द कीर्तन किस तंबूरे पर हुआ होगा पूरा। घेरती है ये दुविधा एक अवधूत और रागी का, अंतिम शब्द कीर्तन किस तंबूरे पर हुआ होगा पूरा। ये जो उत्सुकता है, विभास और दुविधा हमारी, अपनी समाप्ति तक पहुंचकर भी कहाँ हो पाती है आखिरी। एक छोटी सी कथा है निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो को लेकर, कि निजामुद्दीन औलिया के एक प्रिय शिष्य का बेटा मर गया था, 4 साल का था, और औलिया बहुत उदास रहने लगे थे और उस वजह से सारे उत्सव और सवैये होने बंद हो गए थे। फिर एक दिन कुछ लड़कियों ने बसंत गा रही थी, उनको सुना। जिस दिन औलिया ने ये सुना, उस दिन से उनकी मुस्कान वापस आई और तब से उनकी परंपरा में बसंत गाया गाना जाना शुरू हुआ। और उसी समय से पीला रंग भी निजामुद्दीन औलिया की परंपरा में शामिल है। इस कथा को लेकर के ये कविता है, भाग बधाओ। जैसे कुछ सोचते हुए और अमामे को सिर पर संभालते हुए, जैसे कुछ सोचते हुए और अमामे को सिर पर संभालते हुए, परेशान है खुसरो, कुछ हो गया है अजब, जिसको बयान नहीं कर सकती अल्फाज की कोई ताकत। अपने औलिया के आसपास खुसरो रहम का गोशा ढूंढते हैं, अपने औलिया के आसपास खुसरो रहम का गोशा ढूंढते हैं। निजामुद्दीन औलिया की लंबी सफ़ेद दाढ़ी भी छुपा न पाई है आँखों से ढुलक कर चेहरे की पाकीजगी में सूख चुके आंसू को। जब से देखा है इस हाल में खुसरो ने अपने महबूबे इलाही को, निहंग हैं उसके शब्द, कबूतरों की आवाजाही भी चीर नहीं पाती खामोशी का सर्द सीना।
जलावतन है मुबारक के सारे मौके, कोई भूल से भी अपने लिए फरियाद तक नहीं करता। ऐसे में कुछ लड़कियां खेल रही हैं बसंत के पीले रंग, और कुछ शब्द गाते हुए गुजर जाती हैं औलिया के करीब से। इस तरह बहुत दिनों बाद अचानक ही फूटती है कायनात में उमंग, इस तरह बहुत दिनों बाद अचानक ही फूटती है कायनात में उमंग, खुसरो की निगाह में दमकता है पीरो मुर्शिद का मुस्कुराता हुआ चेहरा। कनेरी रंग की ओढ़नी पहने लड़कियां अब भी गा रही हैं, ऋतु बसंत तुम अपने उमंग सो, पी ढूंढन में निकली घर सो। निजामुद्दीन औलिया और खुसरो के यहाँ भाग बन रहा है, वह भी बिना एक शब्द या सरगम उठाए। छोटी सी कविता है पनघट। अगर आप इस कविता से उम्मीद करते हैं यहाँ पानी मिलेगा तो आप गलती पर हैं। अगर आप इस कविता से उम्मीद करते हैं यहाँ पानी मिलेगा तो आप गलती पर हैं। तमाम दूसरे कारणों से उभर आई प्यास के हिसाब का लेखा जोखा भी नहीं मिलेगा यहाँ। मल्हार की कोई श्रुति छूट गई हो ऐसा भी संभव नहीं लगता। मल्हार की कोई श्रुति भी छूट गई हो ऐसा संभव नहीं लगता। ये कविता का पनघट है, शब्दों की गागर भरी जाती यहाँ, डगर भले ही बहुत कठिन क्यों ना हो। बच्चा और झुंझुना। हर तरफ तोपे गरज रही हैं और फूट रहे हैं बम, बारूद की महक से परिचित होने लगी है दुनिया। ठीक इस समय सारी बुरी खरोंचों और हथप्रभ दरारों से दूर अपने निश्चल भोलेपन में झुंझुने से खेल रहा एक बच्चा। वर्णमाला के सारे सलोने अक्षरों से अनभिज्ञ, उसे पता नहीं कोई बात है जो उसके भविष्य से खेल रही है और ठीक उसके झूले के आसपास पनप रहा एक षड्यंत्र। एक चौकस और दुनियादार निगाह बदलना चाहती है उसके झुंझुने की आवाज़, व लोरी की जगह मरसिया जैसी कोई बेवजह सी चीज़ रखना चाहती है। फिर भी झुंझुने की आवाज़ से आश्वस्त है बाकी बची हुई दुनिया, क्योंकि दुनिया का सबसे भरोसेमंद सपना है बच्चा। और बच्चे के लिए बम तोप की गरज सिर्फ खेल खेल में पैदा की गई मज़ेदार आवाज़ ही हो सकती है। ये अलग बात है कि उससे वह झुंझुने का काम नहीं ले सकता। इस समय दुनिया में और बहुत सारा काम हो रहा है, मगर बचपन के गलियारे में इतना मुकम्मल धोखा नहीं रचा जा सकता जिसे एक चौकस निगाह बम और बंदूक की शक्ल में संजो रही है। झुंझुना इसमें क्या कर सकता है भला, वह सरहद पर लड़ नहीं सकता, वह बम की तरह दब नहीं सकता, बस अपनी ईश्वरी झनक में बच्चे को डुबोए रख सकता है और मासूमियत के इर्द गिर्द बच सकता है। आप विश्वास करें चाहे न करें, यह तय है एक दिन इन्हीं बमों बंदूकों और तोपों के बीच जब झुंझुने की आवाज़ दब जाएगी, आप विश्वास करें चाहे न करें, यह तय है एक दिन जब इन्हीं बमों बंदूकों और तोपों के बीच झुंझुने की आवाज़ दब जाएगी, बच्चा अपने आसपास का खेल समझने लगेगा। वर्णमाला के सारे अक्षर उस समय अपने अर्थ पूरी निर्ममता के साथ उसके सामने खोल कर रख देंगे। ये कविता है ग्रामोफोन का एक पुराना रिकॉर्ड। आप लोगों ने बहुत पुराने रिकॉर्ड जब सुने हों तो पीछे बाद में बाइयाँ अपने आवाज़ की पहचान कराती थी कि वो कौन गा रही हैं, तो ये वही इम्प्रेशन है इस कविता में। ग्रामोफोन का एक पुराना रिकॉर्ड। इसमें बंद है वह पुराना समय जिसे ग्रामोफोन पर सुनते हुए हम याद कर सकते हैं। 78 RPM का यह रिकॉर्ड पड़ा मिला जिस पुराने बक्से में, अब तक का इतना भर इतिहास था उसके बारे में। दादा की मिर्जई, कुछ पुराने ढक के कपड़े रहते थे उसमें, मगर मिल सकता है वहाँ किसी की पुरअसर आवाज़ का दस्तावेज, इसे कोई नहीं जानता था घर में। अब जबकि ये गोल जादुई सा तवा हाथ आया हमारे, इसके सहारे इतिहास के गलियारों में झांक सकते हैं हम। ठहरते हैं थोड़ी देर सन 1920 या 30 या कुछ उस तरह के सालों के दरमियान गुजरते हुए, ठहरते हैं थोड़ी देर सन 1920 या 30
या कुछ उस तरह के सालों के दरमियान गुजरते हुए जब इन अजीबो गरीब तवों की सतह पर दर्ज हुई थी पहली बार, कभी आवाज़ तो कभी समय की लय। और इस कोशिश में इस निहायत गैर दुनियादार समाज को पता चला था एकाएक पहली बार बेहद मामूली चीज़ों के बीच से पैदा होने वाली चमक के बारे में। जैसे पहली बार वे ये जान पाए थे कि लैला मजनू या समील सलीम अनारकली के अफसानों की तरह, जैसे पहली बार वे जान पाए थे लैला मजनू या सलीम अनारकली के अफसानों की तरह दर्ज हो सकती हैं उनकी भी साधारण ज़रूरतों की दिलचस्प दुनिया की गाहे बेगाहे, वे भी देख सकते थे इनमें अपनी आवाज़ का आईना। आजकल अपने वजूद में अनूठे से लगते इन रिकॉर्डों का कोई मतलब नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि इन्हें सुन सकने का कोई तरीका अब हम नहीं पाते। इनके तिलिस्म को तोड़ने वाले बाजे अब दुकानों में नहीं आते, मगर इतना ज़रूर है किसी लुप्तप्राय प्राचीन लिपि के नमूनों की तरह लगते ये तवे हमारे अपनों के भूल बिसरा दिए गए सजनों के ब्यौरे हैं। इन्हें बूझ पाना हातिम ताई के साथ सवालों को हल करना है। न बूझ पाने की शक्ल में इनके आयतन में उतरकर भांपना हो सकता है इनमें भरा हो इतना दुख, बुल्ले या वारिस शाह की बनाई हीर जितनी तड़प भी कम लगे इसे सुनकर। हो सकता है इनमें भरा हो इतना दुख, बुल्ले या वारिस शाह की बनाई हीर जितनी तड़प भी कम लगे इसे सुनकर। फिर दुख भी यहाँ इतना प्राचीन होगा, बहुत सारी नदियों का पानी बह जाएगा उसमें यक बयक, और नावें चलेंगी दूर तक जिन्हें बनाया होगा प्रेम में धोखा खाई हुई उन औरतों ने जो बरसों से रोना भूल चुकी होंगी। इसमें अगर कोई रोशनी का पता ढूंढना चाहेगा तो लौटेगा खाली हाथ इससे होकर, जैसे युद्ध में सब कुछ हार कर लौटते हैं सैनिक शिविरों में। इसमें अगर कोई रोशनी का पता ढूंढना चाहेगा तो लौटेगा खाली हाथ इससे होकर, जैसे युद्ध में सब कुछ हार कर लौटते हैं सैनिक शिविरों में। जैसे बरसों तक रीते हाथ लौटती रहीं लाहौर सियालकोट की कंजरियाँ, महफिलों से अपनी उठावनी के बाद बिसूरते हुए अपने कंजरी होने का हुनर। और इन सब से अलग बचेगी आखिर में जब कभी इन अनूठे तवों की ये तारीखी दुनिया, तो अक्सर गाने के बाद बिल्कुल अंत में आएगी एक नीम खुशहाल आवाज़ अपनी पहचान की कांपती सी शिनाख्त कराती है। और अक्सर गाने के बाद बिल्कुल अंत में आएगी एक नीम खुशहाल आवाज़ अपनी पहचान की कांपती सी शिनाख्त कराती। मैं जानकी बाई छप्पनछुरी, मैं अनवर बाई लखनवी, माई नेम इज़ मलका जान। इस तरह एक दास्तां शुरू होगी जब हम इसे पुराने ग्रामोफोन पर बजाएंगे। इस तरह एक शाहकार का तिलिस्म टूटेगा जिस इमारत को आज के हुनरमंद पढ़ नहीं पाएंगे। और एक कविता मैं और सुनाता हूँ आपको, ये है ग्वालियर घराने के उस्ताद हैं अब्दुल रशीद खान साहब, और ये जब वो 100 बरस के हुए थे तब मैंने ये कविता लिखी थी, और सौभाग्य से वे जीवित हैं, गा रहे हैं, और अभी वो 104 साल के हैं। और वो रसन पिया के नाम से बंदिशें लिखते हैं। तो कविता है रसन पिया। अचंभा सा जगाती लगभग 100 बरस की पकी हुई उम्र में, अचंभा सा जगाती लगभग 100 बरस की पकी हुई उम्र में, भरे पूरे जरा जीर्ण बरगद की तरह है तुम्हारा होना। हजारों लोग बैठ सकते जिसकी छाया तले इत्मीनान से, और एक कशिश जैसी कोई चीज़ सुन सकते तुम्हारी आवाज़ में, जहाँ से राख नहीं बसंत के पीले फूल झड़ते हैं। और एक कशिश जैसी कोई चीज़ सुन सकते तुम्हारी आवाज़ में, जहाँ से राख नहीं आज भी बसंत के पीले फूल झड़ते हैं। पता नहीं क्या है उस्ताद ठुमरी और दादरा के अंतरालों में जादू जैसा, पता नहीं क्या है उस्ताद ठुमरी और दादरा के अंतरालों में जादू जैसा, जहाँ बहुत कुछ अभी भी बचा है ऐसा जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और ये बात हमें परेशानी में डालती है, ऐसे अराजक समय में सिर्फ संगीत के सहारे तुम कैसे अभी तक रहते चले आए अप्रतिहत। ये एक विचित्र बात है उस्ताद, 100 बरस के महाकाव्यात्मक से लगते जीवन में तुम्हें गायक के साथ साथ रसन पिया बनने की क्यों सूझी। गोया कविता कहे बगैर संगीत कुछ कम सुरीला लगता तुम्हारे संपन्न घराने में, या बंदिश रचते समय तुम आसानी से पकड़ लेते किसी सुर को उसके सपनों के साथ। गोया कविता कहे बगैर संगीत कुछ कम सुरीला लगता तुम्हारे संपन्न घराने में, या बंदिश रचते समय तुम आसानी से पकड़ लेते किसी सुर को उसके सपनों के साथ। उस्ताद क्या कभी सोचा तुमने राज दरबारों के दीवान खानों से
अक्सर बाहर सांस लेने निकल आई मौसी की। ढेरों ऐसे बंदिश बनाने वालों की खपत का मामला भी है जिसमें तुम्हारे जैसा आदमी भी शामिल रहा है चुपचाप। पता नहीं कितनों को इस बात से फर्क पड़ेगा रागों को शब्दों के कपड़े पहनाने में। ढेरों ललन सनद और कदर पिया की उम्र निकल गई और तुम्हारी तो रसन पिया उंगलियां ही गल गई सारी, पैर भी सलामत न रहे। फिर भी अपने दुखों से बचते हुए संगीत के लिए तुमने उम्र भर सूरज और चंद्रमा उगाया अपनी बंदिशों में और इस वसुधा को थोड़ा आत्मीय बनाया हमारे लिए। वरना क्या फ़र्क पड़ता इस बाजार और शोरगुल वाले समय पर, जहाँ आज भी तुम निकल पड़ते हो खरीदने अपने शब्दों के निष्कपट संसार के लिए महावर बिछिया और चुनरी, जहाँ आज भी तुम्हारी जराजीर्ण होती आवाज़ में गंगा उतनी ही साफ और उज्ज्वल दिखाई देती है। धन्यवाद। साफ और उज्ज्वल दिखाई देता है उसके मैलेपन को थोड़ा उजागर करना है, और शायद जो बहुत मैला नज़र आता है उसमें उज्ज्वल और साफ को देखना है। हमारी दूसरी कवित्री हैं सविता सिंह, जिन्हें 2005 में रजा सम्मान मिला था। उनके दो कविता संग्रह, ऐसे तो उनके कुछ संयुक्त कविता संग्रह अंग्रेजी वगैरह में निकले हैं, उनका मैं संयुक्त का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। नींद थी और रात थी और अपने जैसा जीवन, सविता सिंह। साहब, कुंवर जी, अशोक जी, एजाज साहब, कृष्ण खन्ना जी, पंकज सिंह, तमाम और दोस्त मित्र, ये बहुत ही विशेष अवसर है और मैं सोच नहीं पा रही हूँ कैसे अपनी कविताएं पढ़ूं कि वो एक सचमुच आवाज़ की तरह लगे। कुंवर जी ने मुझे कहा कि वो नई कविताएं सुनना चाहते हैं, तो पहले मैं कुछ अपनी नई कविताएं सुना देती हूँ। पहली कविता है आघात। इस पहर एक आवाज आती है अपनी ही सांस चलने की, इस पहर मेरे ही प्राणों के स्पंदन से चलती है यह सृष्टि। इस पहर चीजों के यूं होने का मैं ही हूं दुखद उद्गम। इसी पहर एक चिड़िया अपने घोंसले में स्वप्न देख रही है कि यह दुनिया सुंदर हो रही है। एक स्त्री अपनी व्यथा को उतार कर रख रही है एक तरफ, चिरपरिचित अपने परिधान को, अपने लंबे बालों को खोलकर दोबारा बांध रही है, जैसे किसी तैयारी में हो, कहीं जाने की आतुरता हो उसमें, एक सादगी में जैसे वह उतरना चाहती हो, पार करना चाहती हो जैसे कोई नदी। वह पार उतर भी जाती है, जाती हुई दिखती है फिर उधर, इधर प्रकृति है और हरितिमा, नए परिधान उसके, जिसमें प्रसन्नचित वह प्रतीक्षा करती है नए आघात की। दूसरी कविता है रेतीली सतह। मैंने देखा एक जीवन अपनी याद छोड़ जाने की तरकीबों पर सोचता समाप्त हुआ, दूसरा उस पर पसरा और भूलने के तरीकों पर सोचता सिर हिलाता रहा, जैसे याद करना और भूलना जीवन और मृत्यु के समान ही हो, जिसकी अपनी अतृप्तियां हों अपने उद्गार। मैंने देखा एक जीवन पूरा होते हुए, मुझे लगता रहा इसमें गुंजाइश थी बहुत कुछ करने की जिससे वह पूर्ण हो सकता था, लेकिन मेरे देखने और समझने के इस दुख को कोई जीवन क्यों अपनाए। ऐसी उदारता मेरी आंखों को कभी हासिल न हुई, न मस्तिष्क को मिली ऐसी आश्वस्ति कि जिसे वह समझे जैसे वैसे ही संसार समझे खुद को। वैसे तो होना ही अपने आप में एक दुख है और न होना भी एक दुख ही, इन दोनों के बीच की स्थिति आ सकती है एक भूल भुलैया की तरह दिखती गायब होती। एक रेतीली सतह यह जिंदगी,
जिस पर सच जैसी झूठ की एक दूसरी साथ परत पड़ी है। सृष्टि जैसी थी, चित्रकार स्वामीनाथन ने जब पहाड़ पर बैठी एकाकी चिड़िया को बनाया, चित्रकार स्वामीनाथन ने जब पहाड़ पर बैठी एकाकी चिड़िया को बनाया, सृष्टि उस समय वैसी ही थी। वैसी ही तब भी जब एक शेर ने एक हिरण को धर दबोचा, एक बहेलिया ने फांसा रंग बिरंगी चिड़िया को, एक शिकारी ने भाला फेंका एक बनैले सुअर पर, जब उसे आदि मनुष्य ने अंकित किया अपनी खोहों की प्राचीन दीवारों पर, जब एक कीट ने अपने पंख फैलाए उड़ने के लिए, उसकी गुलाबी देह दिखी अपनी नश्वरता में कांपती, सृष्टि उस समय भी वैसी ही थी अपने जीवों के उद्गार एवं संताप में, जिसे सिर्फ मैंने देखा। जो हम देखते हैं, बिल्कुल नहीं कविता है कुछ, हम जो देखते हैं कुछ हद तक रच चुके होते हैं पहले ही, जो कुछ छूते हैं हम वह छू चुका होता है हमें, जैसे हम मिलते हैं मिल चुके होते हैं सपनों में पहले कभी, कितनी ही बार वही करते हैं कर चुके होते हैं जिसे कितनी ही बार, फिर भी हर यातना क्यों चमकती है जैसे वह नई हो, क्यों हर बार दुख हमें हतप्रभ करता है, क्यों अजनबी अजनबी लगती है खुशी, प्रेम क्यों इतना आह्लादित करता है, पैरों तले घास हवा में नमी क्यों कौतूहल से भरते हैं इस तरह। समय के आईने में, अशोक जी एक लाल गुलाब रखिए, मुझे नहीं पता चलेगा नहीं। समय के आईने में चली जाती हूँ आंधी सी उस हवा में ऐसे, जैसे जानती हूँ उसकी भीतरी अहिंसा, जानती हूँ वो आकर थमेगी मुझ में ही, भर देगी जाने कैसी कैसी अतृप्तियों से फिर, अधीर होने पर सुला देगी मेरे ही सपनों की बाहों में फिर, चली जाती हूँ दुर्धर्ष उन घाटियों में भटकने, जहाँ कतई उम्मीद नहीं है उससे मिलने की, मेरी कल्पना ने जिसे चुना है, जाती हूँ लौटने हर बार नए सिरे से उन्हीं अक्षरों के बीच, जिनसे मिलती जुलती हूँ, मिलती जुलती हैं जो कितनी उन बिंबों से फिर, जिनके अर्थ छिपे रहते हैं उजागर होकर भी, तभी तो समा जाती हूँ निस्वर समय के आईने में हर रात, जहाँ संचित है वह आलिंगन या कि बिंब उसका, जिसमें वह है और उसकी उत्तप्त बाहें, रक्त प्रेम का। मैंने अलग कर लिया था खुद को तभी जब समझ गई थी करने पड़ेंगे कई बार पुण्य की तरह ही उसे पाने के लिए, जो मेरा इंतजार करता है मेरे ही भीतर बैठकर। चली गई थी उन विधवाओं के पास जिन्हें संभोग वर्जित है, जिनके रेशमी स्तनों पर नहीं पड़ता बाहर का कोई प्रकाश। मैं लौट सकने की हालत में नहीं थी वर्षों, मैंने काट लिए थे अपने हाथ जिनसे स्पर्श कर सकती उस हृदय का जिसमें मेरे लिए उद्दाम वासना थी। मेरी आंखों पर पड़े रहे जाने कब तक ये अजीब फूल,
जो आंखों की तरह ही थे, मुझसे रक्त टपकता था प्रेम का जो फूल की तरह था। मैं अब भी चाहती हूँ उस तारे को जो मेरी तरह है। ग्रीष्म तक अब मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगी, अब मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगी, अब मैं लौट गई हूँ उन्हीं पत्तों में जिनकी मैं हरियाली थी, उन्हीं हवाओं में जिनकी थी मैं गति। मैं लौट गई चिरपरिचित उसी अरण्य में जहाँ मैं सुनती रही थी अब तक दूसरे जीवों के राग, जीवन राग विशद आलाप, देखती रही हूँ उनके जन्म उनके अवसान। अब मैं तुम्हें नहीं मिल सकूंगी, बन गई हूँ दोबारा कोयल, रोके रखती है जो अपनी आवाज कृष्ण तक अपनी कविताओं के वन में। जाती हूँ फिर लौट कर अपनी ही कविताओं में, उन्हीं के जीवन से लाती हूँ अपने लिए सांस, उनके ही अरण्य में बहती है वह हवा जो जिलाए रखती है मुझे। लौटती हूँ बार बार अपनी कविताओं के खाने बन में, जहाँ भी हैं पेड़ों के पेड़ बतियाती एक दूसरे से, आश्रित एक दूसरे के प्रेम पर, जिन्हें सुनना ही आवाज़ की दुनिया में दाखिल होने जैसा है। अंततः जहाँ रहते हैं शब्द आनंद में, अर्थ जहाँ पत्तों की सरसराहट में पाते हैं अपना परिष्कार। जाती हूँ अपनी कविताओं में लौट कर बार बार, पढ़ती हूँ उन्हें जैसे वह सिर्फ मेरी नहीं, कई स्त्रियाँ तलाश सकती हैं अपने अंधेरे छोड़ आई थी जिन्हें वे कभी वहाँ। अंतरंग हो सकती हैं दोबारा उनसे, देख सकती हैं अपने चुंबनों के व्यक्तिगत इतिहास, उनके ठाट अब भी रुदन महसूस सब वैसे ही बचे हैं वहाँ जैसे जीवन। मैं होती हूँ एक उनके साथ, लाती हूँ अपनी ही एक एक सांस वापस बटोर कर, सहज लौटते हैं मुझ में मेरे सारे संताप उल्लास और भी और बेराग, जैसे अब भी बनी हूँ किसी आलाप की तरह। मिल जाती हूँ अपनी कविताओं में बार बार लौटती हुई में, जैसे वे भी मिली हुई मुझ में मेरी देह की गंध और रंग की हिस्सेदार। लौटती हूँ अपनी कविताओं में उस आनंद के लिए जिसे शब्द जानते हैं अपनी ध्वनियों के विलास में, उस अर्थ के लिए जिसे देह जानती है स्मृति में बचे अभिसार की तरह। आखिरकार अपनी भाषा में हूँ सुकून से, मुझे खोजने आ सकते हैं मेरे प्रेमी। मैं मिलूंगी भी अब शायद उन्हें सजीत हजी उनका स्वागत करती हूँ। अब मुझमें कोई संशय नहीं, मैं भीरुता पहले वाली जरा भी रहस्य में नहीं रहूंगी अब मैं, जैसे मैं थी जब नहीं समझती थी भाषा के तिलिस्म को, उसके विस्तार को। इस समय कितनी सहज हूं मैं, साधारण हूं, कितनी साधारण, सचमुच जैसी मैं हूं अपनी कविता में जीवन की समझ की तरह, व्यथित आनंदित एक राग की तरह खुद को गाती, बेफिक्र जैसे कोई नदी चुपचाप बहती किसी जंगल में। अपनी भाषा में फिर भी कितने सबके साथ हूँ बिना किसी द्वेष और स्पर्धा के। जो झिझक है थोड़ी बहुत दूसरों को लेकर, वह कविता की ही है, वह खुद उसे झाड़ लेगी जब वह नया समाज बना लेगी, इसका यकीन है भाषा को ही। मैं हूँ सुकून से जैसे पहले कभी न थी, आश्वस्त थी कि प्रेम की प्रेम पहचान लेगा इस नए एकांत को। धन्यवाद मित्रों। कुछ जगह है यहाँ वहाँ तो जहाँ मिल जाए वहाँ, जिन खोजा तिन पाइया।
हम जिन 39 कलाकारों को सम्मानित करने का अवसर पा चुके हैं, उन पर एक प्रकाशन हमने तैयार किया है समवाय नाम से, एक कामरादरी क्रिएटिविटी सृजन में संग साथ। ये उन सारे कलाकारों के बारे में, चित्र भी हैं, कुछ कलाकृतियाँ भी हैं, कुछ प्रदर्शन के चित्र भी हैं इत्यादि इत्यादि। हमारे मित्र और रजा फाउंडेशन के एक न्यासी और रजा पुरस्कृत मनीष पुष्कले ने ये तैयार की है। अब मैं कुंवर जी से अनुरोध करता हूँ, इस मौका जो कि मिल गया है और आप हैं यहाँ, तो आप इसे लोकार्पित कर दें। इसकी एक एक प्रति, कितनी प्रतियाँ हैं आपके पास? फिलहाल 50 हैं, तो अगर 50 ही हों तो एक एक आप ले सकते हैं। और हमने रजा फाउंडेशन ने एक टेबल कैलेंडर भी तैयार किया था जो कईयों को भेजा है, पर हो सकता है अगर आप में से किसी को न मिला हो और अभी भी आप टेबल कैलेंडर रखने की आदत से मुक्त न हुए हों तो एक प्रति उसकी आप उठा सकते हैं। पर पहले कुंवर जी, रहा साहब कोई नहीं, बैठ गए। एक मिनट यार, एक मिनट, कोई बात नहीं। तो अचिनार अखुक, बड़ी कुंवर, हाँ बड़ी कुंवर, नरकासुर आत्मकथा उनमें से कुछ के नाम है, नीलिम कुमार, 15 मिनट की बंदिश बरकरार है। नमस्कार। पहले मैं असमिस में मैं कविता असमिस लैंग्वेज में पढ़ लूँगा, इसके बाद हिंदी पढ़ लूँगा। कांदो ना तुम्हें गोटे राती कांदे थके दे एक लाभ ना है, कारण अभी बहुत तुमक कंदा देखी और प्रत्येक तुम्हार कांदन अर्थ बेलेग बेलेग सी अवशेष तुम्हार कांदने कीमांसार ऊर नपाय তুমি মিছাই কান্দিলা আর তুমিও পাহরি গোলা কোরপরা আরম্ভ করেছিল কান্দিবলে, তাত তুমি রই থাকা নাই, তুমি ইতিমধ্যে সকলবোৰ সম্ভাবনার পথ তিয়াই পেলালা, আনকি সেই পথটিও যত তুমি নিজকে কান্দনের হাতত এৰি দিছিলা আর ভাবিছিলা খালি হব বলে বুকুর আলমারি, যদি তুমি নাকান্দিলাহেতেন, কেবল নাকান্দিলাহেতেন, নিশ্চয় কিবা রাস্তা ওলালে। এক কবিতা মর রহি হ্যাঁ, এক কবিতা মর রহি হ্যাঁ, কিস তরহ কি চটপটা রহি হ্যাঁ কবিতা, প্রথম দু পংক্তিয়া ঝুক গই হ্যাঁ, বীচ কি স্তবক দর্দ সে বেহাল হ্যাঁ, শব্দো কি জিস্ম সে লহু বহ রা হ্যাঁ, কুছ শব্দ সুখ গে হ্যাঁ রেত কি তরহ, কাগজ ফড়ফড়া রহে হ্যাঁ মানো চিন্দি চিন্দি হো যায়গি, ধোঁয়া নিকল রা হ্যাঁ আগ লগি হ্যাঁ উন শব্দো কি জিস্ম মে, আর কুছ শব্দ নিন্দ মে গুম হ্যাঁ জেসে মর চুকে হো, উন্হে কুছ ভি খবর নহি হ্যাঁ, কুছ শব্দ ভাগনা চাতে হ্যাঁ কাগজ পার নহি কর পা রহে, কুছ খুদ হি আপনে জিস্ম মে চাকু ঘোঁক কর লহু বহনে কে বহনে সে অচেত হো গয়ে হ্যাঁ, কবিতা কি আখরি পংক্তি ভিগ রহি হ্যাঁ লহু কি বারিশ মে, কিসনে লিখি হ্যাঁ ইয়হ অভিশপ্ত কবিতা। নিন্দ বীচ রাহ মে মহরি নিন্দ মে সো গিয়া, বীচ রাহ মে মে
गहरी नींद में सो गया और देखा कि मुझे घेर कर लोगों की भीड़ खड़ी है राह में। उनकी चीख पुकार और फुसफुसाहट से मेरी नींद और भी गहरी हो गई। गरजता हुआ एक ट्रक आया, हॉर्न बजाया और छिटक गई भीड़। पड़ा रहा सिर्फ नींद में डूबा मैं बीच राह में। ट्रक के पीछे पीछे बसों की कतार, तिपहियाँ दुपहियाँ की कतारें, और जब सभी मेरे ऊपर से गुजर गए, जब मैं उछला गया तब मैं गहरी नींद में था। जब एक कुत्ता मुझे घसीट रहा था, अपने दांत मेरे देह पर गड़ा रहा था, मैंने सोचा कुत्ते को भी अब नींद आ जाएगी। अनगिनत सूर्योदय और सूर्यास्त की परतें हैं मेरी नींद में। अपनी गहरी नींद देखकर मैंने सोचा, मगर मैं सोच नहीं पाया नींद में। में है कुछ पढ़ूंगा क्या, इसका अनुभव नहीं है, असल में नहीं। खाली घर। आदमी जब ताला मारकर घर से निकल जाता है तब खाली घर रोता है। घर के लोगों को लेकर ही घर की गृहस्थी चलती है घर के अंदर, लेकिन आदमी का संसार घर के बाहर ही ज्यादा है। घर अपने छोटे से दिल से, छोटी भुजाओं से चाहता है उसके अंदर हमेशा चलती रहें लोगों की बातें, हंसी और रुदन, पच्चाप, प्यार की गुंजन, निरवता, मैथुन संगीत। इन्हीं के लिए तो आदमी बनाता है घर, इन्हें ढके रखने के लिए ही तो घर बनाता है आदमी। खाली घर अपने छोटे दिमाग से सोचता है, उसके सोचने से मेरे अन्नमनस्क आकाश में बारिश नहीं होती। इसीलिए एक दिन ताला लगाकर मैं जैसे ही निकलने लगा, खाली घर भी मेरे साथ होने लगा। बोला, मुझे भी ले चलो, तुम्हें छोड़कर मैं रह नहीं सकता। आपने देखा मेरे पीछे पीछे अब एक खाली घर आ रहा है, आपने देखा एक खाली घर मेरे भीतर घुस आया है। बारिश। हाथ उठाकर बारिश ने बस रुकवाई और तेजी से बस के भीतर समा गई। सीट खाली नहीं थी, मेरी देह से ही देह सताकर बारिश हैंडल पकड़कर खड़ी हो गई। हवा, बादल, बिजली या गड़गड़ाहट, बारिश का कोई साथी बैठा नहीं था किसी सीट पर। उन पर जो बैठे थे सब आदमी थे, वे बारिश के लिए अनजाने थे। बस के हिलने से बीच बीच में बारिश की बूंद और रिमझिम की आवाज़ लोगों की देह पर गिरती थी चिटक चिटक कर। कुछ लोग गर्दन उठाकर, कुछ लोग दूसरों के कंधे के ऊपर से ही देखते थे बारिश को, जो एक चंचल लड़की की तरह हैंडल पकड़कर खड़ी थी। धीरे धीरे बस की फर्श बारिश के पानी से हो गई थी गीली गीली। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला था, सभी थे खामोश। होले से मेरे कंधे पर एक बांह रख दी बारिश ने। मेरी कमीज की जेब के कागज भीग गए कमीज के साथ और भीग कर फैल गई कागजों के बीच मेरे एक अधूरी कविता थी। नाक के ऊपर से बह रहे बारिश की बूंद बूंद पानी को पिया मेरे होठों ने अनजाने में। इसी तरह अनजाने में बारिश मेरे भीतर समा गई। मेरे भीतर था एक नन्हा आकाश और आकाश देखते ही बारिश बरसने लगी। भीतर और बाहर से भीगते भीगते मैं जब बेहाल हो गया, बारिश ने मेरे कान में फुसफुसा कर पूछा, तुम बारिश में भीगे तो नहीं? टूटे गिलास की कथा।
उन टूटे हुए टुकड़ों से तुम क्या करोगी? मैं एक गिलास था, एक नन्ही सी बच्ची ने मुझे तोड़ डाला था। टूटे हुए कांच के टुकड़े चारों तरफ चिटक गए थे। माँ सशंकित और सहम उठी थी। उस दिन मैं सबकी आंखों में हो उठा था, बड़ा बेकार, बड़ा घृणित। मेरे सारे अंग प्रत्यंगों को एकजुट कर निसंग दूरी पर मुझे हटा दिया गया था। पोंछ पोंछ कर मुझे दूर फेंक दिया गया था। तब से मैं अपने आप को ढूंढता फिर रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ मेरे टुकड़ों में बते और चूर चूर हो चुके अंगों को, क्योंकि मैं फिर एक गिलास बनूंगा। मेरी भावनाओं में मैं फिर से एक गिलास क्यों नहीं बन सकता? मैं मेरे टूटे बिखरे शरीर और चिकमिक करती चूर चूर हो चुकी हालत में ही खत्म हो जाऊंगा क्या? मैं अपने आप को धुरता फिर रहा हूँ, यहाँ वहाँ पड़े हुए मेरे अंग प्रत्यंगों को। उसी में से एक टुकड़ा उठाकर तुमने क्यों तुम्हारे दर्द की अलमारी में सजा रखा है? क्या तुम जानती थी वे टूटे बिखरे कांस फिर से एक गिलास बनने के जुनून के साथ कबाड़ के ढेर से उठ कर आएंगे? आह, मैं उठूंगा कैसे? मैं कैसे पार करूंगा तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ? यह तो बस सपना है। कहते हैं मैं सपना नहीं देख सकता। सपना आखिर सपना होता है, और क्या सपना देख सकता है एक टूटा हुआ गिलास इससे ज़्यादा? मुझे तोड़ डालने वाली वो नन्ही सी गुड़िया, आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो, उस टूटे कांच के टुकड़े से तुम करोगी क्या? मुझे यह देख बड़ा अच्छा लगता है कि तुमने मेरे जिस्म का एक चमचमाता टुकड़ा संभाल कर रखा है, पर खुशी से भी ज़्यादा मुझे इस बात का लगता है कि कहीं तुम उस टुकड़े को पीस कर महीन न कर डालो और एक केक के साथ मिलाकर तुम्हारे अपनों के साथ खा जाओ। नहीं तो बताओ उस टुकड़े से तुम क्या करोगी? मेरी कसम, ऐसे काम में कभी मत लगवाना मुझे। मैं तब कभी गिलास नहीं बन सकूँगा। टूटा फूटा कांच होकर रह जाऊंगा मैं। चुप्पी एक प्रकार का पानी है। कहीं जाऊंगा, ठीक याद नहीं आ रहा है कहाँ जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, जाऊंगा ही। जब जाने के लिए ही निकल आया हूँ, कंधे पर बैग उठाए, बैग में पानी की बोतल, बैठा हूँ वेटिंग रूम में। प्लेटफार्म पर कोलाहल, वेटिंग रूम में चुप्पी। सीने के भीतर हलचल, मुंह पर चुप्पी। बैग के भीतर कोलाहल, बैग में बैग चुप। पानी की बोतल पर धूल और होहल्ले की आवाज़, पानी में चुप्पी। चुप्पी एक प्रकार का पानी है। मैंने उसे घूंट घूंट पिया। ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म पर चुप्पी। बैठा हूँ वेटिंग रूम में चुप्पी। हाथ में पानी की बोतल, पानी में चुप्पी। चुप्पी कुछ नहीं है, एक तरह का पानी है। प्लेटफॉर्म की दुकान में मैं चुप्पी खरीद सकता हूँ। मिनरल वाटर की बोतल में ठसाठस चुप्पी सजी है। रूबी गुप्ता, जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन कथा था, उस दिन रूबी गुप्ता के अंतर्वस्त्र नहीं सूखे थे। पक्की छत पर धूप में तार पर डाले कपड़े वापस लाते समय रूबी गुप्ता ने उस दिन भी पाया था कि सभी कपड़े सूख गए हैं, सिर्फ अंतर्वस्त्र नहीं सूखे। वह कांप उठी थी। जिस दिन उसके अंतर्वस्त्र नहीं सूखते, उस दिन दुनिया में कहीं ना कहीं कोई अनहनी घटती ही है। उपन्यास के लंबे घर में
उपन्यास के लंबे घर में रहने वाली उस रूबी गुप्ता के बारे में मैं बीच बीच में सोचता हूँ। उसके अंतर्वस्त के साथ पृथ्वी की इन आपदाओं। धन्यवाद। मित्रों, अब तीन कवि और बचे हैं आपकी जानकारी के लिए, यानी 45 मिनट और। अगले कवि हैं उदयन वाजपेयी, जिनको राजा सम्मान 2002 में मिला। उनके दो कविता संग्रह प्रकाशित हैं, कुछ वाक्य और पागल गणितज्ञ की कविताएं। उदयन वाजपेयी। आदरणीय रत्ना साहब और मित्रों, मैं पहले कुछ छपी हुई कविताएं पढ़ूंगा और उसके बाद कुछ मैं 2.5 साल से लिख रहा हूं, कुछ मैं मेरे गुरु मणिकौल, उनको कैंसर हुआ था तो उन दिनों में काफ़ी डिप्रेशन में चला गया और उस वक़्त मैंने कुछ लिखना शुरू किया और वो 2.5 साल से लिख रहा हूं। ज़्यादातर मुझे खुद ही नहीं समझ आता है वो क्या है, आपके साथ उसका साझा करूँगा। भूली पंक्ति। महाभारत के बारे में ये किंवदंती है कि महाभारत में जो भी है, जो भी दुनिया में है, वो महाभारत में लिखा हुआ है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। भूली पंक्ति। मैं एक ऐसी पंक्ति भूल गया हूँ जिससे मैं अपनी नई कविता शुरू करता। इस घटना को मैं वेद व्यास के महाभारत के किसी पर्व की एक पंक्ति को भूल जाने की तरह लिखना चाहता था, लेकिन मुझे सूझा नहीं कि समूचे महाभारत में ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसे लिखना वेद व्यास भूल सकते थे। मैं महाभारत की एक एक पंक्ति को टटोलता हुआ उसके इस छोर से उस छोर तक पहुंच गया, लेकिन कहीं भी मुझे वह पंक्ति महसूस नहीं होने पाई जो वेद व्यास भूल सकते थे। अगर ऐसा है तो महाभारत का यह दावा गलत है कि उसमें सब कुछ है और जो कुछ उसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। मैं अपनी संभावित कविता की पहली पंक्ति भूलने के बाद तो यह कह ही सकता हूँ कि हो सकता है महाभारत में सब कुछ हो, लेकिन उसमें वह पंक्ति नहीं है जो गणेश को महाभारत लिखाते समय वेदव्यास भूल सकते थे। आंखें। जाने कैसे यह बात मन में बनी रहती है कि मेरे पास 2 से कहीं ज्यादा आंखें हैं। मैं कई किताबें लेकर पढ़ने बैठता हूं जैसे उन सभी को एक साथ पढ़ लूंगा। यह कुछ ऐसा है जैसा सपना देखते हुए होता है। औरों की तरह मैं भी 1000 आंखों से स्वप्न देखता हूं और इस भुलावे में रहता हूं कि मेरे साथ मेरी 1000 आंखें भी स्वप्न से बाहर आ गई हैं। लेकिन यह कहने की बात नहीं कि हर बार अलावा 2 के बाकी सब वहीं छूट जाती हैं। इसलिए अपनी इन बची हुई 2 आंखों के सहारे एक बार में सिर्फ 1 किताब पढ़ पाता हूं और यह महसूस करता रहता हूं कि पास रखी बाकी किताबें मुझे उसी हसरत से ताक रही हैं जैसे स्वप्न में छूटी हुई मेरी ढेरों आंखें। ये कविता है ज्वार। मेरी आंख का नंबर, मेरी आंख को ज्यादा तेजी से कमजोर होना शुरू हुई तो उस वक्त ये लिखा था। ज्वार। चश्मे का बढ़ता हुआ नंबर तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है कि चांदनी रात में फूलते समुद्र के गहरे नीले जल की तरह अंधापन तुम्हारी आंखों के किनारों की ओर बढ़ रहा है। उठो, उठकर इस ठंडे नीले जल में रात भर तैरने की तैयारी करो। तैयारी करो कि यह ज्वार तुम्हारे बीतने से पहले कहीं बीत न जाए। ओह, इस टप टप टपकते अंधेपन की बूंदों में चांद की छाया। ये एक बार मैं रोटरडम में, हमारे गुरु मणिकौल रहते थे, उनसे मिलके मैं पेरिस आ रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ उस वक्त लिखी थी। रोटरडम से पेरिस लौटते हुए इस रेलगाड़ी में जहां सब चुपचाप अपने में दबे बैठे हैं,
जहाँ किसी पराई भाषा की चुप्पी फैली है, एक बच्चे के रोते ही मुझे लगता है जैसे मैंने हिंदी सुन ली हो। वह हिंदी ही थी, हिंदी जिसमें डच भी थी, फ्रांसीसी भी, स्पहानी भी, इतालवी भी। हाँ, उस बच्चे का रोना और रोते चला जाना हिंदी ही था, और डच और फ्रांसीसी और स्पहानी और इतालवी। छुपाओ उसे ओ भली औरत, छुपाओ, इतनी सारी भाषाओं की बाढ़ को तुम सह नहीं पाओगी। छुपाओ उसे ओ भली औरत, छुपाओ। एक प्रेम कथा, प्रेम कथा। अच्छा, एक तूफान पर अचानक गिरता है एक निस्सहाय चीख का पर्दा, सब ओर शांति छा जाती है। हॉल में बैठे दो दर्शक एक दूसरे के उत्सुक चेहरे को देखते हैं और ताली बजाते बजाते रुक जाते हैं। चंद्रमा की तरल श्वेताभा में धीरे धीरे घुलने लगती है अतीत की अपार देह। खांसता हुआ एक बूढ़ा उद्यान में प्रवेश करता है और घास पर बिखरे हुए आंसुओं को बुहार देता है। अब ये नई कविताएं प्रकाशित। अभाव के अर्थ में बंधा मनुष्य। अभाव के अर्थ में अर्थ से बंधा मनुष्य मृतकों की परछाइयों को सिलकर चादर बनाता है, जिस पर उपस्थितियों के बीज व सलीके से बोता जाता है, मानो आकाश में चंद्रमा नक्षत्र बो रहा हो कि प्रकाश हो सके। अंधेरे के निरंतर बरसने के बाद भी कुछ नक्षत्रों में फल नहीं आ पाते, कुछ टूट कर झर जाते हैं। अभाव के अर्थ से बंधा मनुष्य इस तरह कुछ और अकेला हो जाता है। उदासी के सीमांत पर दूर देश से आए पक्षियों की उड़ानों के धागे तिरते हैं। मौन को सुनने की आकांक्षा लिए कविता शब्द में गोते लगाती है। अकेली तैरती नाव का सन्नाटा पलकों के पीछे फैल जाता है। वियोग की मछलियों की आंख को कोई नहीं भेदता। पानी में उतरती सीढ़ियां जब बाहर आती हैं, अकाल की दीवार पर बैठा बंदर पीठ खुजला रहा होता है। छूटी जगह, दर्द से छूटी हुई जगह पर वनस्पतियों की गंध फैलती है। रात गए वहीं एक अनोखा चंद्रमा उगाता है, जो नीले समुद्र में उफान ले आता है। रोगी अपनी आंखें खोलकर आकाश की सिलवटों में दर्द को तलाशता है। कई बार वह वहीं रह जाता है, कई बार उसके दर्पण में क्षण भर को झांक कर खिलखिलाता है। अपनी कामनाओं में सिहरते पशुओं के कानों में अपनी जगह छोड़कर दूर निकल आए दर्द का गान थपकियां देता है। यही उनकी लोरी है, यही उनकी नींद का टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। पुनरागमन, ये पुनर्जन्म का आनंद के सरोवर में प्राण के फूल कमल, आनंद के सरोवर में कमल के फूल की तरह प्राण छूट जाते हैं। ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है। सरोवर की लहरें हिल हिल कर शांत हो जा रही हैं। आकाश उन पर झुक कर उन्हें अथाह किए दे रहा है। आनंद के सरोवर में कमल के फूल की तरह छूटे हुए प्राणों पर जो हल्की सी ओस बूंद कांप रही है, उसमें एक बार फिर समूचा ब्रह्मांड
दिखाई देने लगता है। घर के अचानक फूल, घर के बिखराव पर अवसाद की छाया पड़ती है। वहीं कहीं अंधेरे में खोया हुआ सुख नाखूनों पर फिसलता हुआ सा लोप हो जाता है। पर्वतों पर पक्षियों से उतर कर आए पर्वतों पर आकाश से उतर कर आए पक्षियों का डेरा है। वनों में असंख्य बारिशों का कोलाहल हवा की ओट में छिपा है। एकांत की ओर बार बार देखते मनुष्य को अंतरिक्ष अपने में सोख लेता है। मृत्यु के उस पार फैली पृथ्वी पर उगे हरे बिरवे में अचानक फूल आ गए हैं। वर्षा की रात्रि, आकाश की विद्युत रेखा आंखों में आकर टूट जाती है। नक्षत्र कुछ देर डगमगाते हैं, फिर अंधकार के जाल में उलझे रह जाते हैं। विषाद की चकाचौंध में समूचा वन एक बारगी आलोकित होता है। पशुओं की आंखों में भय उतर आता है। चेहरे पर उभरती रकीरों के स्पंदन से उदासी झरती है। फीगी पत्ती पर अंकित सुकुमार स्पर्श का रेखांकन मिट जाता है। फड़फड़ाती तितली तेज बारिश में बह जाती है। लेकिन अकेलेपन के क्षण में जगत का बहुत विस्तार हो जाता है। अकेलेपन के क्षण में ब्रह्मांड मुट्ठी में सिमट आता है। इस तिनका तिनका बिखरते जा रहे समय में कविता मनुष्य के रहस्य को उद्घाटित नहीं पोषित करती है। अपने गर्भ में नहीं, गोद में, जहां वह दिखता हुआ भी नहीं दिखता है। यह सोचने में कितनी सांत्वना है कि जिस कुर्सी पर बैठकर आप पढ़ते हैं उसी पर कभी कभी गिलहरियां भी दौड़ती फिरती हैं, बिल्ली भी धूप सेकती है, बारिश की बूंदें पड़ती हैं। अब अनामिका, जिन्हें 2004 में हजार सम्मान दिया गया था, गलत पते की चिट्ठी, जो सूचना के अनुसार अप्राप्य है, बीजाक्षर, अनुष्टुप और दूबधान उनके कुछ कविता संग्रह। अनामिका जी, लजा साहब को बहुत बधाई और आप सबको नमस्ते। पहली कविता का शीर्षक है नमस्कार 2064। नमस्कार 2064, नमस्कार पानी, कैसे हो, इन दिनों कहाँ हो। नमस्कार मेपल के पत्तों, तुमको बर्फ की शक्ल याद है ना, दूर वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर उसका घर था। कभी कभी घाटी तक आती थी मनिहारिन सी अपनी टोकरी उठाए, दिन भर कहानियां सुनाती थी परियों की, कैसे तुम भूल गए उसको। नमस्कार नदियों, दुबली कितनी हो गई हो, आंखों के नीचे पसर आए हैं साए, क्या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। स्वास्थ्य केंद्र चल तो रहा है, कैसा है पीपल का पेड़ और ढाबा। कई बरस पहले मुझे ट्रेन में एक लड़का मिला था, उसकी उन आँखों में इस पूरी दुनिया की बेहतरी का सपना था। क्या तुमने उसको कहीं देखा, उसके ही नाम एक चिट्ठी है, एक शुभकामना संदेश मंगल ग्रह का, चांद की मुहर उस पर है,
आई है कोरियर से लेकिन पता है अधूरा, मोबाइल नंबर भी है आधा मिटा हुआ, क्या मिट्टी कर लेगी उसको रिसीव उसकी तरफ से, आओ अंगूठा लगाओ मिट्टी रानी, नमस्कार, अच्छा है कम से कम तुम हो, पीछे पीछे दूर तक मेरे उड़ती हुई। एक कविता के अंदर कहने मिला, हमारी तरफ रूठ जाने को कहते हैं रूस ना, तो बार बार रूस जाती थी औरतें हमारी तरफ की, जब भी उनको कोई बिना बात ठोकता जाती वे रूस, जाओ वहां न जाने कहां, लाओ उसे न जाने किसे, जार निकोलाई कहता था दांत पीस कर जब किसानों से, रूठी हुई औरतें सुनती मन ही मन कुछ ठान कर कहती यही सही। एक बार तो मैं भी रूस गई, चांद मुझे देख रहा था, मैंने उसी से कहा मुझे ले भागो, अच्छे प्रेमी की तरह मेरे 10 बच्चों के साथ मुझे ले भागा चांद मॉस्को। अन्ना कैरेनिना टहल रही थी वोल्गा के किनारे अपने बड़े गाउन में, मैं उससे लिपट गई, एक पूरी जिंदगी में घूमती ही रही मॉस्को की गलियों में उससे बतियाती। फिर वक्त चलने का आया, चलते समय मैंने देखा बंद ही नहीं हो रहा मेरा सूटकेस, चुपचाप तब से मैं तहा रही हूँ कपड़े और स्मृतियाँ, खोलती हूँ फिर तहाती हूँ अपनी इन आँखों में स्मृतियाँ, कोंचती हूँ इनको सूटकेस में किसी तरह, किसी भी तरह बंद होता नहीं सूटकेस मेरे वजूद का, समा नहीं पाती अब इसमें मेरी आँखें, देखते ही देखते मेरी आँखों का बढ़ गया है आयतन, 7 माह से बच्चे की माँ हो गई हैं ये आँखें, प्रफुल्ल आश्चर्य विह्वल, इन आँखों ने भी कुछ देखा है, देखा है मास्को, बैरागी आँखों में राग का उच्छिष्ट देखा है, सूर्यास्त की आँखों में देखा है भोर का तारा, आंसू की बड़ी बूंद भर, ये आँखें ब्रह्मांड है अन्ना अब तुम्हारे दम से, तुम आई इन आँखों में रात के तीसरे पहर, नींद जब उल्टे ही पांव लौट जाती है चौखट से और झुकाता है अंधियारा अंतिम चुंबन के लिए अपनी धरती पर, और भी करीब, और लिपट कर सो जाते हैं धूमिल उजाले अभिशप्त सी उन पटरियों पर जहां रेल से कूदकर जान तुमने दी, आत्महत्या एक हत्या है सामूहिक हत्या, अदृश्य हथियारों का बेहद महीन सिलसिला अंजाम पा जाता है जो अचानक कहीं, पर अगिन पाखी होती है दुनिया की सब औरतें, वस्त्र की तरह ही अदला बदली करती हुई पहनती हैं अपने वजूद। तो अन्ना ऐसा हुआ कि तुम मरते ही जी उठी दुनिया की सारी उन अन्नपूर्णाओं में जिन्होंने तुम्हारी कहानी पढ़ी, छपरा सीवान और बलिया के बहुदेशीय कन्या विद्यालयों के पुस्तकालयों की बदहाल पीली प्रतियों में। एक कविता है आम्रपाली, था आम्रपाली का घर मेरी ननिहाल के उत्तर, आज भी हर पूनों की रात खाली कटोरा लिए हाथ गुजरती है वैशाली के खंडहरों से बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली, अगल बगल नहीं देखती चलती है सीधी
मानो खुद से बातें करती, शरद काल में जैसे कमंडल वमंडल बनाने की खातिर पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी। पक रही है मेरी हर मांसपेशी, खदर बदर है मेरे भीतर का हहाता हुआ सत। सूखती टटाती हुई हड्डियां मेरी मरे कबूतर जैसी इधर उधर फेंकी हुई मुझ में, सोचती हूँ क्या वो मैं ही थी। नगर वधु भज्ज संघ के बाहर के लोग भी जिसकी एक झलक को तरसते थे, ये मेरे सन से सफ़ेद बाल थे कभी भंवरे के रंग के कहते हैं लोग। नीलमणि थी मेरी आँखें बेले के फूलों की, छक सफ़ेद दंत पंक्ति खंडहर का अर्धध्वस्त दरवाज़ा है अब जो। जीवन मेरा बदला बुद्ध मिले, बुद्ध को घर ने उतकर अपने रथ से जब लौट रही थी, कुछ तरुण लिच्छवी कुमारों के रथ से टकरा गया मेरे रथ का धुर से धुर, चक्के से चक्का, जुए से जुआ। लिच्छवी कुमारों को ये अच्छा कैसे लगता, बोले वे चीख कर, जे आम्रपाली क्यों तरुण लिच्छवी कुमारों के धुर से धुर अपना टकराती है। आर्य पुत्रो, क्योंकि भिक्खु संघ के साथ भगवान बुद्ध ने भात के लिए मेरा निमंत्रण किया है स्वीकार। जे आम्रपाली 100,000 ले और इस भात का निमंत्रण हमें दे। आर्य पुत्रो, यदि तुम पूरा वैशाली गणराज्य भी दोगे, मैं यह महान भात तुम्हें नहीं देने वाली। मेरा यह उत्तर सुन लिच्छवी कुमार चटकाने लगे उंगलियां, हाय हम आम्रपाली से परास्त हुए तो अब चलो बुद्ध को जीते। कोटिग्राम पहुंचे कि बुद्ध की प्रदक्षिणा उन्हें घर न्योता, पर बुद्ध ने मान मेरा ही रखा और कहा, रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ढह जाएगा। तो बहा काल नद में मेरा वैभव, राह की इच्छा मती, राह की गंगा, राह की कृष्णा कावेरी, गरम राह की ढेरी यह काया बहती रही सदियों, इस तट से उस तट तक चिमकता रहा एक अंगारा, तिरता रहा राह की इस नदी पर बना ठना ठना बना तेरा लगातार, तेरी सोने की तरी। झुर्रियों की पोटली में बीज थोड़े से सुरक्षित हैं, वो ही मैं डालती जाती हूँ अब इधर उधर, गिर जाते हैं थोड़े से बीज पत्थर पर, चिड़िया का चुग्गा बन जाते हैं वे, बाकी खिल जाते हैं इधर उधर चुटकी भर हरियाली बनकर। सुनती हूँ मैं गौर से आम्रपाली की बातें, सोचती हूँ कि कमंडल या लौकी या बीज कोश जो भी बने, जीवन जीवन तो जीवन है, हरियाली ही बीज का सपना रस ही रसायन है। कमंडल वमंडल बनाने की खातिर शरद काल में जैसे पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी, पक रही है मेरी हर मांसपेशी तो पकने दो उससे क्या, कितनी तो सुंदर है हर रूप में दुनिया। एक कविता है सेकेंड हैंड चीज़ें। स्वभाव से ही कुछ शर्मीली होती है सेकेंड हैंड चीज़ें, 75% की छूट पर किसी भी कबाड़ मार्ट के यहाँ से खरीदी चौकियाँ उतरने और किताबें, जिनसे कि पहली गृहस्थी बसाते हैं आप इस शहर में, दूज के चंद्रमा की सेकेंड हैंड शर्मीली सी रोशनी में नहाई हुई आती है धीरे धीरे चलती और हो जाती है समायोजित कमरे में ऐसे, जैसे कि अनुवाद में शब्द संदर्भ की लित किसी और देश काल से आए आके समा जाए अपनी भाषा की विह्वल प्रसन्न गोद में, जरा उकड़ू सा बैठा कभी घबरा के आंखें उठाता फिर झप से झुकाता हुआ। सेकेंड हैंड पुस्तकों के हाशियों पर अनदेखी पेंसिलों की टीपें,
कहती है हंसकर, सदियों से हम कर रही थी प्रतीक्षा, कैसे हैं आप कहिए तो जरा। ये कैसी प्रत्यभिज्ञा है अजब सी, 50% की छूट पर मिली। कहीं कहीं धब्बे हैं सिहरे हुए से, हाँ कुछ भी कभी तो नहीं है, कुछ लिखा है समझ में। धूसर प्रकाश में नहाई, ये सेकंड हैंड चीजें, क्या एक मशाल यात्रा है साझेपन की। और भी गुम आहटें मृत प्राय भाषाओं की, जिनका की एक भी अक्षर पड़ता नहीं पल्ले, फिर भी जिनमें होती है कुवत, पानी के भीतर बसे अपने मायावी नाग लोग तक खींच लेने की। तिनकों का कोई सहारा लिए बिना डूबे संदर्भ बन जाते हैं नागमणियां यहीं। किसी को जानना एक बड़ी उत्तप्त सी छलांग है, पहले अपने बाहर फिर अपने भीतर। देर तक हिलता है जिससे तालाब का पानी, किसी को जानना तालाब दरिया समुंदर और बारिश हो जाना है। जानना जाना है, एक बार बरसते हैं बादल, पेड़ 3 बार बरसते हैं हर बारिश के बाद। पेड़ों की डालियां हिलाते हुए सोचते थे हम, किसी को जानना सब भूली बिसरी बातों का धीरे धीरे याद आ जाना है। जानना हो जाना है, बूंद बूंद लुकती हुई थर 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 पत्ती। एडी ग्रोवर है, वो होशंगाबाद में रहती है, पता चले कहाँ रहती है, पर होशंगाबाद उनका पता है। उनके कम से कम 3 कविता संग्रह प्रकाशित है, उनके कुछ और संयुक्त संग्रह इत्यादि भी है, मैत्री लोकाना सावली, हाँ लोकाना सावली, और अंत की कुछ और कविता है। एडी ग्रोवर, इस मुबारक मौके पर मैं अपनी एक ऐसी श्रृंखला करना चाहती हूँ जो अशोक जी ने बिल्कुल मेरे मन की बात, मैं उसकी आवाज़ खुद सुनना चाह रही थी। तो मैं कठपुतली की आँख की ये श्रृंखला आपको सुनाती हूँ। मैंने इससे पहले रिल्के की एक पंक्ति है एपिग्राफ के तौर पे, वन डज नॉट नो इन याकूबसेन्स पोइट्री व्हेन The verbal weave finishes and when the space begins. Kathputli ki aankh. Ek. Dur se koi dekhta hai kathputli ki aankh se. Raat mein gaye hoon ke chinh ubhatte hain. Ek hi jhaadi jal kar khaak hui hai. एक ही पतरिंगे के पंख झड़े हैं, एक ही पांव का निशान है पानी के पास। प्यास लगती है, दूर से पता नहीं चलता टीले के पार तक किसे। वह अबुझ पूछ पूछ कर यात्री के पीछे जाती है। तो रोशनी हर जगह चहचहाने लगती है और पक्षी चमकते हैं। जो गए हैं वे गए हैं अपनी छाया में सोए, वे आंसुओं की तरह सूख कर गए हैं। संकेत में कोई संकेत भी नहीं है। कठपुतली सो सकती है सूर्य की हवा में। 3 उनका जाना कठपुतली की आंख में था। वे इतने रंगीन थे कि कोई भी हरा सकता था उन्हें, इतने मोहक कि उनके जाने का कोई पर्याय भी नहीं था जिसे वे अपनी जगह भेज सकते थे। वे रख सकते थे वे चाहते तो अपने नृत्य को
जाने की जगह, वे एक आकार में ठहर जाते और अभिनय को तीर की तरह छोड़ देते। उनकी मृदुता, उनका भय, उनकी देह का स्वांग, उनका प्रेम कठपुतली की आंख में था। चार, वह देखती है उन्हें तो देखने देते हैं। वह निहार उनके अंगों में प्रत्यक्ष है और दर्पण में नहीं है। बहुत दूर तक कुत्ते एक गंध के पीछे घूरते हुए जाते हैं। हल्की सी हवा में एक तलवार हिलती है और हवा की एक तितली गिर जाती है। वह देखती है उन्हें, वे देखने देते हैं। वह निहार उनके अंगों में प्रत्यक्ष है और दर्पण में नहीं है। एक अकुलाहट में उठकर वे पानी पीते हैं। चंद्रमा झील से अक्स को खींच लेता है। पांच, बिंब के बिना रचना एक इच्छा थी और इच्छा अपने स्वभाव से बिंब के पीछे जाती थी। इस तरह वे आए और सरसराते हुए घूमने लगे यहां से वहां। वे धू धू कर जलने लगे और जलाने लगे। वे इतने मुखर हो गए कि शांत करना उन्हें एक और रचना में व्यक्त होने लगा। फिर वे इतने शांत कि उठाने से भी उठते नहीं थे। फिर भी दहकती रही अग्नि, सरसराहट आती रही। छे, वे बिंब ही थे जिनसे और बिंब उपजते थे, कुछ और मिट जाते थे। उनसे निकलना उनकी अति के बाद ही संभव होता है। उनका तिरस्कार उन्हें रचने की सामर्थ्य से, रचने की सामर्थ्य को रचते भी बिंब थे, मिटाते भी थे। वे करके जो सुख और दुख को रचने सामने रखे दिखाई देते थे, उन्हीं में सुख और दुख का वास था। पूरे प्रांत में करघों के सिवा कोई बिंब नहीं थे। प्राण में कांप कांप जाती थी उंगलियां। साथ बारिश होने लगती है कठपुतली की आंख में। अपने कुलों को बचाने चींटियां दायरों में घूमने लगी हैं। दानों को पकड़ाते हुए वे पूसे उठाते हैं और खड़ी खड़ी बैठ जाती है एक चिता। कठपुतली की आंख में कठपुतली के रंग उतर आए हैं। सांप की तरह टकटकी लगाए कोई एक इंद्रधनुष सा तन जाता है दृश्य में। गौर से देखो तो कुछ नहीं है कठपुतली की आंख में। आठ, कहानी बुझ गई थी। अलाव से उठने का शोर किसी में दिखाई नहीं देता था। वे बैठे रहे अपनी चादरों की गुलकारी को छूते हुए, अपने सोने के दांतों से मुस्कुराते। आठ, कहानी बुझ गई थी। अलाव से उठने का शोर किसी में दिखाई नहीं देता था। वे बैठे रहे अपनी चादरों की गुलकारी को छूते हुए, अपने सोने के दांतों से मुस्कुराते। पौ फट रही थी कठपुतली की आंख में। सूर्य की जगह कोयले सुलग रहे थे।
चौकीदार गुलाब मेरे हाथ में है पंकज सिंह से लेके नौ पगडंडी के बीचों बीच पक्षियों की हड्डियां थी और सूर्य की धूप में चमक रही थी। पगडंडी के बीचों बीच पक्षियों की हड्डियां थी और सूर्य की धूप में चमक रही थी। उनका नाम लेने से वे उड़ते हुए सामने नहीं आते थे। उनके पैर कोमल थे और गर्दन के रंगों से वे चहचहाते फिरते थे वन में। अंडे की अंडे थे झाड़ियों के नीचे। हड्डियों में देखो तो दुख दिखाई नहीं देता। बस वे उठे और पानी पीने से पहले उन्होंने दीवार को सजा दिया कठपुतली की आंख से। प्यास लगी थी उन्हें जो दीवार से दिख रही थी। वे जल्दी में थे और पानी को उनकी देह में रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने पुतलियों को नचाया कभी ऊपर कभी नीचे। पानी किसी हड्डी की तरह तड़प रहा था कठपुतली की आंख में। क्या उसे भी नींद आती थी कठपुतली की आंख को, लेकिन वह सोती नहीं थी। वह जिद थी या धैर्य, कोई काम था उसे या निष्काम थी वह, इसका पता लगाना कठिन था। कहीं नीचे रंगों में हिलते हुए हाथ की तलवार में कभी कभी पलक झपकने की आवाज आती थी, जिसे कठपुतली के कान से वह सुन नहीं सकती थी। बारह उसकी आंख से कुछ नहीं बरसता था, कुछ नहीं जो अनस्तित्व की तरह था, अनस्तित्व जो इच्छा में उतर आता था। वह रेत में रेत पर रेत के बिना एक चिन्ह था, जिसके खेल में इतना रंग दिखाई देता था कि वह भी डर जाती थी जो कहने को सिर्फ कठपुतली की आंख थी। तेरा रेत तूफान में थी और खुली हुई थी वह जो कठपुतली की आंख थी। पनाह लेने कई निर्गुणी आए और चले गए। वे पक्षी जिनकी आंख में रेत थी वे भी पनाह लेने आए। घास जो रेत में उगती थी, वह ओस जो गिरती थी, तिनकों के हिलने से और भी गिर जाती थी, वह भी आई। वह धूप जो ओस को पीती थी उसे भी आना था। धूप की तरह वह भी आई और इस तरह कोई अंत नहीं था कठपुतली के आंख में। उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैत्री नाम की एक श्रृंखला, उसी नाम की एक किताब भी है, उसकी अंतिम तीन कविताएं, इन कविताओं की निर्मिति ही सिद्धार्थ के चित्रों से हुई है। तो इन तीन कविताओं का शीर्षक है सिद्धार्थ के चित्रों से। एक, हम उनके ना आने को कई रंगों से भर देते थे और हर संभव तरह से घुल जाते थे चित्र में। रोशनी की शुआएं अपने सतरंगे बाल पटक पटक कर गा उठती थी कागज पर। मत्स्य कन्याएं फेनिल जल राशियों में रोने लगती थी सुख में। जमीन पर बैठा कौवा जमीन पर लेटी मनुष्य मां के पारदर्शी गर्भ से बुद्याने लगता था। काशनी रंग था वहां रात का उमिंदरा।
जैसा जीवन था कुछ कुछ वैसी ही मृत्यु भी थी। तो वे अपनी ही गहराई से रूठ गए थे और नीले रंगों में सने हुए सतह पर निकल आए थे। उन्हें नहीं मालूम थे सतह के सुख और दुख, शत्रु और मित्र, प्रेम और घृणा, भूरा और श्वेत, स्वप्न और दुस्वप्न, पारिजात के फूल, धन धान्य, अनाज, पानी, पक्षी और पशु। वे चाहते तो तकिए की गुलकारी तक में कपास का मर्म देख सकते थे। श्यामा के पंखों में देह और आत्मा का एक ही दृश्य दिखाई देता था। जैसी गहराई थी कुछ कुछ वैसी ही सतह भी थी। तीन, वे नहीं जानते थे उनके अक्षर हमारे जीने की इच्छा में छलते हैं। हम नहीं जानते थे अगर ये सुख था तो अंततः दुख भी यही था। वे हमें भरमाते थे दुख के उपचार से। वे अपने प्रियजनों की मृत्यु से भरमाते थे हमें। वे प्रेम के टूट जाने के बाद के प्रेम से भरमा देते थे हमें। फिर सुबह के 8 का तांबई पीपल झरने लगता था। पूरा दिन पत्ते गिरते थे सूर्य के अलग अलग रंगों की हवा में। न मैत्री थी न मृत्यु, न ही प्रेम था वहां, न घृणा, न रोने की आवाज ही आती थी दृश्य से। बस जमीन की कशिश थी और पत्ते गिरते थे। हाँ, हम कविता की ये शाम समाप्त होती है। मैं जो दुष्ट बात कह रहा था वो ये था कि अगर इतने सारे कविता प्रेमी दिल्ली में हैं तो ससुरे रहते कहाँ हैं? जब इतने अच्छे अच्छे कविता पाठ होते हैं तो उसमें इतने कम लोग क्यों आते हैं? बहरहाल ये जो समारोह चल रहा है परसों से, इसका शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य का पक्ष शुरू होगा मेघदूत में, रविंद्र भवन में। 5 दिन तक आप 11 शास्त्रीय संगीतकारों और नृत्यकारों के प्रदर्शन देखेंगे। वो परसों तो सुबह शाम को 6 बजे है, पर बाकी 4 दिन 6:30 बजे है। तो आप आमंत्रित हैं। हमारे एक मित्र होते थे वीरेंद्र मिश्र, वैसे तो गीतकार थे, उनके कविता संग्रह का नाम था अविराम जल मधुवंती। तो खैर कभी तो किसी मसरफ के शायद वो नहीं थे, शीर्षक बुरा नहीं है। तो अविराम जल मधुवंती कम से कम अगले 5-6 दिन तो चले। शुक्रिया। और जाते हुए पुस्तकें और कैलेंडर लेना न भूलें अगर आपके पास कैलेंडर। Thank you.
Yes.
सर एक मिनट, पहले से तो कम नमस्कार सर, वो ही कहता है चलता है एक तो पहले डीवीडी नहीं बन सकता और है जो तुमने मेरे को दी थी सदा सुरक्षा ठीक है। यहाँ पर भी अलग किस्म करनी है, मैं बाहर ज़्यादा भी नहीं।